सर पंकज कुमार आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे business, uh, में क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस बिजनेसेस जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे uh, uh, तो आज हम लोग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे इवॉल्व किया इसको डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफाइन कैसे करेंगे फिर एन एक इंस्टीट्यूशन है जो क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे डिफाइन करती है फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है ठीक है तो आज जो ये पहला क्लाउड कंप्यूटिंग का जो लेक्चर है इसमें बेसिकली हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो, होता क्या है तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इवोल्यूशन हुआ वो एक रेंट परपज से एक और, जो हम लोग रेंट यूज़ करते हैं रेंट वर्ड तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो स्टार्टिंग जो हुआ ये एक रेंट कंप्यूटिंग सर्विस के अकॉर्डिंग हुआ ठीक है जो कि 1950-1950 के करीब फ़र्स्ट टाइम इन एक इमर्जिंग इमर्ज टेक्नोलॉजी आई थी जिसको कि आज हम लोग कह रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग तो रेंट परपज से सपोज़ करिए कि आपको जैसे एक कार परचे आप आपके पास वो परचेजिंग पावर नहीं है या आपके पास वो इनकम नहीं है जिससे कि आप एक कार खरीद सकें ठीक है आप एक कार खरीद सकें ठीक आप आ, तो आपने क्या किया कि आपने आपने क्या किया कि एक सर्विस बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे कि आपका ओला है ओला उबर ठीक है इन कंपनी के ज़रिए आपने एक ओला एक ओला उबर एक ओला उबर जो कार सर्विस प्रोवाइड कराती हैं उनसे आपने इनको रेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर लिया है ना कुछ समय के लिए आपको सपोज करिए लखनऊ से जाना था कानपुर ठीक है लखनऊ से कानपुर रहा था आपने परपज पर, इस रेंट परपस से उसको हायर कर लिया और उस, उसके उसका जो रे रेट था जो उसका रेट था लखनऊ से कानपुर तक का वो आपने पे कर दिया अब सपोज़ करिए जो आपने पे किया होगा वो एक छोटा सा अमाउंट पे किया होगा सपोज़ करिए एक हज़ार के करीब था एक हज़ार रुपये था और इस कार का कॉस्ट कितना होगा सपोज़ करिए कि ये चार चार लाख के करीब एक कार होगी ठीक है चार लाख के करीब एक कार होगी तो अब एक एक इनकम एक इंसान का इनकम ही जो है करीब वो सपो सपोज करिए इयरली उसका इनकम ही दो लाख है तो कहाँ से वो इसके अफोर्डेबल कर पाएगा दो लाख का इनकम है फिर उसमें उसके बहुत सारे खर्च खर्च भी हैं तो उस इस तरीके से एक एक यहाँ पे कॉस्ट सेविंग का पर्पज़ भी आया कि यहाँ पे जो है उस पर्सन उस को कितना देना पड़ गया केवल केवल एक हज़ार रेंट परपज़ रेंट के अकॉर्डिंग ठीक है तो यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया गया है कि जो ये टेक्नोलॉजी एक इमर्ज इमर्ज करके आई है इसने क्या किया है चीज़ों को रेंट पे रेंट पे सर्विस देना शुरू कर दिया है आप लोग जानते होंगे कि इंडियन इकोनॉमी में तीन तरह के सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर इसे बोला जाता है ठीक है तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है ये टर्सरी सेक्टर यानी कि सर सर्विस सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है सर्विस सेक्टर वो ऐसा सेक्टर होता है जो कि सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर से उस प्रोडक्ट का यूज़ करके एक इनकम जनरेट करता है तो इसीलिए यहाँ पे ये क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह की सर्विस कि, किस तरह का एक सर्विस है वो टर्सरी सेक्टर में आता है टर्सरी सेक्टर में जिसे हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर ठीक है किसी कार का अब सपोज़ करिए आप आप उस कार को अगर लेते सपोज़ करिए आप उस कार को परचेज करते ठीक है तो आप उस कार को परचेज करके दो दो चीज़ कर सकते थे या तो आप उसे पर्सनल यूज़ करते पर्सनल यूज़ करते तो वो क्या होता आप आपका एक खर्च होता है एक्सपेंडिचर आप उस पर खर्च करते और अगर आप उसे एक किसी कैब कैब सिस्टम में कैब सिस्टम में आपने लगा दिया या आप उसे रेंट के कहीं आप बाहर चला रहे हैं उससे आप इनकम इनकम अर्निंग करेंगे उस कैब से तो आप उससे क्या होगा आपने जो कार ख़रीदा होगा उसका उसका पहले आपके पास पैसा निकल आएगा ठीक है और जब वो पैसा सपोज करिए आपने उस कार में पाँच लाख लगाए होंगे तो पाँच लाख जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद तो आपके पास वो इनकम आना शुरू हो जाएगा ठीक है तो ये ये है ये जो है ये क्या ये एक तरह से क्या है कि इस कार को हमने दो तरीके से यूज़ किया एक तो हम पर्सनल यूज़ से कर रहे हैं तो वो हमारा एक एक्सपेंडिचर है एक 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 एक। दूसरा हम अगर उसे किसी सर्विस सेक्टर में लगा दे रहे हैं तो उससे हमें एक इनकम भी जनरेट हो रहा है ठीक है तो ये इसका मेन पर्पज़ था और सपोज़ करिए कि जैसे हम कोई एक शादी जैसे शादी उदी होती है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमने एक लॉन बुक कर दिया लोन बुक कर लिया लोन बुक करने के लिए हमें एक जमीन चाहिए आप सोचिए कि अगर किसी को शादी करना है तो उसके लिए एक लॉन जैसा रूम ज़मीन ले लिया जाए फिर वहाँ पे शादी का अरेंजमेंट कराया जाए तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खर्चीला भी है तो हमने इस चीज़ को इम्प्रूव करके क्या कर दिया एक सर्विस सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया कि लोन भी क्या होगा एक सर्विस सेक्टर में आ जाएगा ठीक है जहाँ पर हम लोग हमें बहुत सारे लोन जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं वो हमें एक प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे हर तरह का अमेंडमेंट होगा वहाँ पे फूडिंग का होगा ठीक है फूडिंग का होगा लॉजिंग का होगा फिर उसके बाद फिर जो लोग आएंगे ठहरने के लिए उन उनके व्यवस्था किए जाएंगे ठीक है तो बाकी हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है तो इसका जो हमें प्राइस पड़ेगा वन टाइम अगर हम एक लोन बुक करते हैं तो सपोज कि ये करीब तीन लाख का हमारा खर्चा है तो हमारे लिए तो बेनिफिशरी रहा कि अगर हम एक ज़मीन को खरीदेंगे तो वो ज़मीन तीन लाख में तो मिलने वाला है नहीं ठीक है अब उसको हमने केवल तीन लाख पे किया लोन को और हमने एक शादी सक्सेसफुली अरेंज शादी जो हमारा सक्सेसफुली आराम से वो हो गया तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो यहाँ बेसिक पर्पज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक पर्पज़ है कि रेंट पे चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड कराना ठीक है फिर हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड uh, सिस्टम होते हैं ठीक है जो इसके अंदर काम करते हैं वर्चुअलाइजेशन होता है इसके अंदर फिर यहाँ पे वेब पॉइंट अब हमारे पास वेब भी जो होते हैं वेब वेब जो हमारा पहला था वेब वन uh, पॉइंट ज़ीरो जिसमें केवल और केवल हम लोग क्या करते थे केवल और केवल टेक्स्ट को रीड करते थे ओनली रीड रीड ओनली ठीक है यानी उसमें हम लोग कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते जो हमारा पहला वेब आया था वेब वन जो अब जो वेब पॉइंट टू है टू पॉइंट जीरो इसमें क्या है आप रीड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं जैसे कि कोई ब्लॉग है आपने कुछ लिखा है आप चाहते हैं कि कोई उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है तो वहाँ पर राइट भी कर सकता है ठीक है जो वेब अभी जो करेंटली चल रहा है वेब थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट ओ इसमें क्या है रीड राइट दोनों हैं साथ ही साथ एक इसमें थर्ड पार्टी भी आ गई है जैसे गूगल फेस फेसबुक हो गया थर्ड पार्टी भी आ गया जो कि हमारे पूरे डेटा को कौन करता है गवर्न करता है कि आप एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कौन से पोर्शन को एक्सेस कर सकते हैं ये ये एक थर्ड पार्टी होती है ठीक है तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया कि वेब वेब 2.2 2.0 का मतलब 2.0 का मतलब हम लोग किसी भी वेब को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं पहले जो हमारा वेब वन 1.0 था इसमें केवल केवल हम लोग रीड कर सकते हैं वेब पॉइंट टू वेब टू पॉइंट जीरो में हम लोग रीड राइट दोनों कर सकते हैं ठीक है और वेब थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट ओ में हम लोग रीड राइट और वहाँ पे एक थर्ड पार्टी जो गवर्निंग गवर्निंग बॉडी है वो वो उसको क्या कर सकती है उस उस डेटा को रेगुलेट कर सकती है एक्सेस कर सकती है इन सब के बारे में बताया गया अब ये जो यहाँ पे एक पॉइंट लगा फाइव इनो फाइव इनोवेशन वेयर एसेंशियल इन द सेपिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग इन टू हाउ इट्स टुडे मतलब इसमें ये जो इनोवेशन किए गए थे एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था फिर उसमें पेरीफेरल डिवाइस यूज़ किए थे वर्चुअलाइजेशन यूज़ किया गया था वेब 2.0 यूज़ किया गया था फिर सर्विस ओरिएंटेड एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग हम लोग यूज़ किए थे क्लाउड कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है तो बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग का जो पर्पज़ है किसी चीज़ को सर्विस पे देना जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल में यहाँ देख सकते हैं कि एक ये एक डेटा है ये एक डेटा है क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर फोर तक 2016 का है ठीक है किसी भी ईयर में किसी भी ईयर में चार क्वार्टर होते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 हर क्वार्टर का लेंथ फोर मंथ फोर मंथ फोर मंथ फोर मंथ का होता है तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया इस डायग्राम में तो ये दो के फ, 2016 के जितने भी क्वार्टर हैं उसमें क्या हुआ एक क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रो करते चला गया फिर एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग आगे ग्रो करते चला जा रहा है तो अब पूरे मार्केट में जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका यहाँ पे एक ग्राफिकली पाई चार्ट के अकॉर्डिंग ये शेयर दिखाया गया कि कितना क्वार्टर वन में ट्वेंटी टू ट्वेंटी के क्वार्टर वन में कितना शेयर है कितना शेयर है तो अमेजन जो है वो थर्टी के साथ है माइक्रोसॉफ्ट अट्ठारह परसेंट के साथ है पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल एट परसेंट के साथ है अली बाबा का कुछ पोर्सन है इसमें फिर आई भी है सेल्स फोर्स भी है फिर Tencent Oracle फिर अदर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ये जो एक बता रहा है कि ग्राफिकली कि, कि किस किसका किसका मार्केट कैप्चर कितना है ये चीज़ बता रहा है तो अमेजन जो है इस टाइम सबसे जिसका कि वेब क्लाउड है अमेजन वेब सर्विसेज ठीक है ए डब्ल्यू एस इसको कि जो कि हम जो कि हमें क्या प्रोवाइड कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग सपोज करिए क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे एक एक बेनिफिट ये भी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आपको एक कंपनी खोलनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए लैंड लैंड चाहिए फिर वहाँ पर कैपिटल लगाना पड़ेगा कैपिटल इम्पोज करना कैपिटल हमें लगाना पड़ेगा और फिर उस वहाँ पे लेबर भी लगेगा फिर हम वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद हमारा एक कंपनी ग्रो होगा या आप सपोज़ कर लिए आपने एक रेंट पे एक रेंट पे ही आपने लिया है ठीक है तो आपको वहाँ पे एक कंपनी अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनी बनानी है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा लैपटॉप्स लाने पड़ेंगे पी लाने पड़ेंगे ठीक है पी लाने पड़ जाएंगे फिर उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी देना पड़ जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी फिर एक बाहर सिक्योरिटी गार्ड ये सब लगाना पड़ेगा ठीक है फिर आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा तो इतने सारे खर्चे क्लाउड ये ये जो है बिना क्लाउड के ये सब जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ये बिना क्लाउड के ले, लेकिन जब क्लाउड कंप्यूटिंग आता है तो क्लाउड पे केवल आपको आपने एक वेबसाइट आपने एक केवल वेबसाइट बना दिया अपने कंपनी नाम अपने अपने कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग और उसमें क्या कर रहे हैं आप एक ने आपने क्लाउड पर ही कंपनी खोल दिया वहाँ पर सबको वर्क फ्रॉम होम करके अपना एक जो भी है प्रोडक्ट वो बनाते चले जा रहे हैं जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो बनाते चले जा रहे हैं तो इसमें क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का आने से एक इंडस्ट्री में एक तरह रिवोल्यूशन आ गया कि कॉस्ट कटिंग जो कॉस्ट कटिंग का जो एग्जाम्पल होता है यहाँ से स्टार्ट हो गया कि कॉस्ट को हम कैसे कट कर सकते हैं कि बिना बिना लैंड के हम लोग हम लोग एक कंपनी चला सकते हैं घर बैठे ही बैठे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं कि ये एक क्लाउड uh, कंप्यूटिंग का एक अपना नज़रिया भी है ठीक है आप इसे समझ सकते हैं तो हम लोग क्लाउड uh, कंप्यूटिंग के बारे में अभी तक यही हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से डील करता है हम लोग को ठीक है वो हमारे बेसिक जो आजकल के रिक्वायरमेंट हैं उसको कैसे ये आगे बढ़ाते चला जा रहा है ये हम लोगों ने देखा और यहाँ पे ये जो ये जो डेटा है ये सारे बिलियंस में है वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू जो जनरेट किया जा रहा है आजकल आ, और ये सब आस पास आस ये सब एक आ, टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज हैं इसको हम लोग जब नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे ठीक है आज का सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ठीक है आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डबल ए मतलब एज ए सर्विस ठीक है पी मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ठीक है ये सब चीज़ें हैं तो इन सब चीज़ों को हम लोग को आगे पढ़ना रहेगा तो हम लोग देखते हैं आखिर बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे डिफाइन किया जा रहा है तो इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म द क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड एप्लीकेशन फ्राम द रिमोट लोकेसन या एक uh, किसी कंप्यूटर के जरिए या कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट का यूज़ करते हुए तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है किसी भी डेटा को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं एक uh, वाया वाया मीडियम ठीक है जिसमें कि हम डेटा को प्रोसेस करते हुए अपना एक मार्केट मार्केट केयर क्रिय मार्केट केयर कर रहे हैं ठीक है अब क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले क्या करता है कॉस्ट कटिंग करता है ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है हमारा ये सबसे पहले हमारा कॉस्ट कटिंग करता है कि अगर हमें किसी इंडस्ट्री को ही खोलना है तो हमें उसके लिए ज़मीन चाहिए फिर उसके बाद उसका स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए फिजिकली ठीक है फिर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए फिर सर्वर चाहिए ये सब चीज़ हमें लगाने पड़ जाएंगे लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग बिना ये बिना क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं जब क्लाउड कंप्यूटिंग आता है तो वो क्या करता है सब चीज़ ही ऑनलाइन है आप आने वाले समय में ये भी होगा कि अब आपको लैपटॉप्स या पीसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वो भी ऑनलाइन आप जिस जो जो अफो जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं उसे ऑनलाइन परचेज करके फिर बाद में उसे वापस कर सकते हैं ठीक है ऑनलाइन जो पर पर आवर का जो रेट रहेगा जो पर आवर का जो रेट रहेगा वो बस पे करना रहेगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक अफोर्डेबिलिटी की ओर हमें ले जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग हमें एक अफोर्डेबिलिटी की ओर ले जा रहा है यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ट्रिपल ए ट्रिपल ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है ट्रिपल ए मतलब कि एक्सेसिबल और ये सेकेंड ए का मतलब एवेलेबलिटी और ये थर्ड ए का मतलब अफोर्डेबिलिटी uh, तो किसी भी किसी भी चीज़ को अगर आगे बढ़ाना है तो ये तीन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि वो चीज़ एक्सेसिबल भी होना चाहिए उसकी एवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए साथ ही साथ उस उसका क्या होना चाहिए अफोर्डेबल एक रेंज भी होना चाहिए अगर एक्सेसिबिलिटी और एवेलेबिलिटी भी है अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो वो जो है या प्रोडक्ट व या वो स्कीम जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता ठीक है अफोर्डेबिलिटी सबसे मैटर करता है कि सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर किसी चीज़ को मार्केट करना है तो हमें अफोर्डेबिलिटी लाना पड़ता है ठीक है एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है जैसे आप गूगल से कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं तो क्या है एक्सेसिबिलिटी है उसकी जो है एक्सेसिबिलिटी है आपके पास कि अगर सपोज करिए किसी एरिया में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया किसी एरिया में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया तो वहाँ पे वहाँ पे डेटा गूगल पे तो डेटा अवेलेबल है लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी रुक गई है अब ठीक है तो ये चीज़ एक्सेसिबिलिटी बता रहा है फिर जो हमारा जो सेकेंड ए था एवलेबलिटी एवलेबलिटी मतलब कि वो चीज़ एवलेबल होना चाहिए अगर सपोज करिए कि हमारे पास अभी जैसे फाइटर इंडिया के पास जैसे फ़ाइटर प्लेन्स की कमी है एवलेबलिटी उसकी बहुत ही कम है ठीक है या एक S, या सपोज़ करिए कि स्पेस में स्पेस पे, स्पेस में जाने के लिए हमारे पास रॉकेट्स या फाइट रॉकेट्स मौजूद हैं लेकिन उसके लिए क्या है उसकी एवेलेबिलिटी भी कम है साथ ही साथ उसकी अफोर्डेबिलिटी भी कम है एक्सेसिबिलिटी तो है ही एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ही लिमिटेड लोग अब स्पेस में जाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ जाएंगे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक कंपनी में रजिस्टर करना पड़ेगा फिर उसके बाद वहाँ पर जाके उसकी एवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी फिर अब अफोर्डेबिलिटी सारे लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते जब स्टार्टिंग में सोलर पैनल आया था तो उसका कॉस्ट बहुत बहुत ही हाई था सोलर पैनल जब स्टार्टिंग में सोलर पैनल आया था तो उसका कॉस्ट बहुत ही हाई था तो उस टाइम पे हमारे लिए क्या था ये अवेलेबल था लेकिन इतने अमाउंट में अवेलेबल नहीं था कि सारे लोग इसको यूज़ कर सकें या जैसे कोविड आया था तो जो हमारे मास्क थे वो काफ़ी उस टाइम शुरुआत में बहुत ही कम थे उसके प्राइस बहुत हाई थे तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया मास्क जो है वो मार्केट में अवेलेबल ज़्यादा हो गया हर जगह हमें मास्क मिल रहा है तो उसकी एवलेबिल उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई एक्सेसिबिलिटी भी एक्सेसिबिलिटी भी पहले कम थी हर लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि एवलेबिलिटी ही कम थी ठीक है फिर जैसे जैसे टाइम बीता एवेलेबिलिटी बढ़ते चला गया ठीक है तो और एवेलेबिलिटी फिर स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे एवलेबिलिटी बढ़ने लगा लेकिन उसका क्या था कॉस्ट बहुत ज़्यादा था तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे ये दिन बीतते चला गया उसके बाद क्या हो गया उस मास्क का रेट कम हो गया अब हर जगह हर जगह आप जाइए तो मास्क का एक जो नॉर्मल जो हम लोग मास्क होता है वो पाँच रुपये दस रुपये का मिल रहे थे मास्क और स्टार्टिंग में ये मास्क कितने के मिल रहे थे दो दो सौ तीन तीन सौ चार सौ सौ के मास्क मिल रहे थे छोटे वाले जो पाँच पाँच रुपये वाले मास्क है वो तीस रुपए के मिल रहे थे ये तो ये डिफ्रेंसेज हैं ठीक है अवेलेबिलिटी होने के बाद भी कुछ चीज़ें महंगी मिलती हैं क्योंकि उसका उस उसकी एक्सेसबिलिटी कम कर दी गई है लोग बाहर निकल नहीं सकते हैं अपने घर से तो अब उतने मेडिकल स्टोर पे ही मिल रहा है सबको परमिशन दिया नहीं गया कि आप आप इसका यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग जियोग्राफिकली इंडिपेंडेंट है ठीक है जियोग्राफिकली इंडिपेंडेंट है आप अपने कम आप जैसे कंपनी के ओनर हैं आप चाहे इंडिया में आज काम कर रहे हो या आज आपने स्विच करके अमेरिका चले गए तो उसमें कोई उसका कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि आपने जो क्लाउड पे जो सर्विस प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर से जो परचेज किया है क्लाउड पे डेटा वो डेटा कहीं भी आप ले जा सकते हैं वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है उसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं आप जहाँ से भी उसे लॉग इन कर लेंगे वो डेटा आपका एक्सेस हो जाएगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एक बेनिफिट ये भी है कि ये क्या होता है जियोग्राफिकली इंडिपेंडेंट होता है जियोग्राफिकली इंडिपेंडेंट होता है ठीक है फिर यहाँ पे क्या होता है किसी भी किसी भी डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी डेटा जो पड़ा रहता है वो हम लोग एक्सेस देता है एक जो क्लाउड का जो क्लाउड हमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें एक ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर यूज़र आई एंड पासवर्ड प्रोवाइड की जाती है तो एक सिक्योरिटी का यहाँ पर कंसर्न है ठीक है हम लोग यहाँ क्या करते हैं इस रिसोर्स का मल्टीपल यूटिलाइजेशन चाहते हैं ठीक है जैसे कि आपने सपोज करिए कैब एक बुक किया लखनऊ से चार बा आ, ये आ, आप ए के टू से आप जा आप जाना चाहते हैं चार बाग रेल लखनऊ रेलवे स्टेशन तो लखनऊ रेलवे स्टेशन आप जाना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपने उस कैब को बुक कर लिया फिर जैसे ही आप वहाँ पे चार बाग चार बाग आप रीच किए आप वहाँ से हट आप वहाँ से चले गए और वो फिर वो कैब अब अब आपके आपके लिए नहीं रहा अब वो दूसरे उसको दूसरा पर्सन यूज़ करेगा ठीक है तो हम चाहते हैं कि रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो क्लाउड कंप्यूटिंग में या हमने एक 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 हमने अटेंडेंस सीट शेयर कर दिया एक्सेल सीट ऑनलाइन मतलब गूगल सीट गूगल सीट हमने शेयर कर दिया ठीक है अब वो सीट तो एक ही था लेकिन वो जितने लोगों को हमने उसमें ऐड किया था वो सब के लिए सेड हो गया ठीक है तो यहाँ पे हमें एक, एक चीज़ ये मिला कि रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पे जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर में कि कंप्यूटर जो सी पी यू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर रिसोर्स का मल्टीपल यूटिलाइजेशन होता है ठीक है तो ये चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ठीक तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एन एस एन एस आई टी के अकॉर्डिंग यानी कि एन एस आई टी एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करता है फॉलोइंग जो क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफाइन किया गया उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जो कि इनेबल करता है ऑन डिमांड सर्विस जब भी डिमांड होगा तभी वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी अभी अभी आपको जैसे बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है तो आप देखेंगे कि तुरंत ओला ओबर की डिमांड बढ़ जाती है या ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो ओला ऊबर की डिमांड बढ़ जाती है क्यों क्योंकि उन्हें पता है कि अब बारिश होंगे तो जो ऐसे ऐसे लोग पोटेंशियल कस्टमर जो कि इनके इनके जो होंगे कुछ पोटेंशियल कस्टमर होंगे इनके जो होंगे कुछ पोटेंशियल कस्टमर होंगे वो क्या करेंगे इनको परचेज करेंगे इनके सर्विस को परचेज करेंगे इनकी सर्विस को जब परचेज करेंगे तो उससे वो उससे क्या होगा कि इन इनको पता चल जाएगा कि अब हमारा अब हमारे कैब सिस्टम का जो है ना वो डिमांड बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे प्राइस को बढ़ाते चले जाते हैं आप भी इसे जब देखेंगे जब जब भी या आप रेलवे स्टेशन पे या फ्लाइट्स आएँ तो जैसे ही कोई फ़्लाइट आती है या जैसे ही कोई ट्रेन आता है या जैसे ही बारिश तेज़ होने लगे या ज़्यादा धूप होने लगती है तो वहाँ पे प्राइस तुरंत बढ़ जाता है तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा ऑन डिमांड सर्विस वर्क करता है और जैसा आप पे करेंगे वैसा सर्विस मिलता है अगर आपने अगर आपको एक जी का चाहिए नेट तो आप कम अमाउंट पे करेंगे अगर आपको पर डे दो जी बी का नेट चाहिए तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा या जैसे आप नेटफ्लिक्स uh, ये सब यूज़ करते हैं तो उसमें भी होता है कि गोल प्रीमियम मेंबर प्रीमियम प्लस मेंबर तो जैसा आप पे करेंगे उस तरीके का सर्विस मिलता है तो ये पे पर एस सर्विस भी वर्क करता है और ऑन डिमांड सर्विस ये इसके दो दो टर्मिनोलॉजी हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग को एन ने डिफाइन किया कि ये ऑन डिमांड सर्विस पर वर्क करता है जो एक किसी एक नेटवर्क पर होता है ठीक है यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट काफ़ी ही आसानी और अच्छे तरीके से करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं ठीक है प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है यही चीज़ें जो हमने बताया ऑन डिमांड सर्विस यानी बिना ह्यूमन इंटरवेशन के ये अपने आप से काम करता है फेडरेशन जब आप चाहें आप किसी भी प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड को आप पब्लिक क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है प्राइवेट क्लाउड कहने का मतलब कि जैसे आपके आपके जी का जो डेटा है गूगल ड्राइव वो एक तरह से प्राइवेट क्लाउड है आप उसे चाहते हैं कि आप अपने जो गूगल क्लाउड है उसका डेटा आप पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं आप उसे पब्लिकली पब्लिकली कर दीजिए क्योंकि आप उससे कुछ इनकम जनरेट करेंगे तभी तो आप उसे पब्लिक करने जा रहे हैं तो इस टर्म को बोला जाता है फेडरेशन जब भी आप प्राइवेट से पब्लिक में स्विच करेंगे तो वहाँ पर फेडरेशन सिस्टम फेडरेशन वर्क करता है आइसोलेशन आइसोलेशन में ये बताया गया कि, कि जब भी कोई भी डेटा शेयर किया जाता है तो ए, एक यूज़र का डेटा दूसरे यूज़र के डेटा से आइसोलेट रहेगा यानी कि वो मर्ज नहीं होगा ठीक है जैसे आपका आपका अपना पर्सनल फ़ोन है और किसी दूसरे का पर्सनल फोन है तो दोनों एक दूसरे को कभी जब सभी एक दूसरे को पर्सनली यूज़ कर रहे हैं तो कोई इंटरवेंशन है नहीं तो उसी तरीके से क्लाउड में भी होता है कि अगर रिसोर्स को यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि एक एक से ज़्यादा यूज़र एक टाइम डिमांड कर रहे हो तो उस तरह से कोलिजन ना हो एक दोनों दोनों के बीच में कोई एक टकराव ना हो तो उस चीज़ को मैंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आइसोलेशन प्रोवाइड कराते हैं कि उसका जो डे जो डेटा रहेगा उस यूज़र वन से अलग रहेगा यूज़र टू का डेटा यूज़र टू से अलग रहेगा उसमें कोई भी कोलिजन नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट इलास्टिस इलास्टिसिटी मतलब कि जब भी आप चाहें आप अपने जैसे आप स्टोरेज रखना चाहते हैं आप एक यूट्यूबर हैं तो आप आप अपना चाहते हैं कि हाँ हम अपना जी बढ़ाते जाएं हमारे यूजर्स सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं तो आपने जी को कम कर दिया यानी स्टोरेज कैपेसिटी को जब चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं जब चाहें तो आप घटा सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जबकि अगर आपने जो जम जैसे इंडिया की बाउंड्री है तो आप कभी ना उसे बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं ठीक है थीके? तो इलास्टिसिटी वहाँ पे नहीं है इलास्टिसिटी क्लाउड कंप्यूटिंग में ये है कि आप जब चाहें अपनी स्टोरेज कैपेसिटी अपने डिमांड को जब भी आपकी डिमांड घट रही है बढ़ रही है तो आप इसे फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं ट्रस्ट ट्रस्ट यही बता रहा है कि ये जो एसेंशियल फैक्टर है जो ये यूज़र और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कंज्यूमर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट करता है कि आप इस सिस्टम में ट्रस्ट करिए क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा है सिक्योर है जैसे कि आपको बोला गया कि आप आपके पास दो 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 ऑप्शन दिए गए आपको अकाउंट खोलना है प्राइवेट बैंकिंग में या गवर्नमेंट बैंकिंग में तो आप किसे चूज़ करते हैं गवर्नमेंट को क्योंकि गवर्नमेंट पे, आप पे आपका ट्रस्ट है ठीक है जैसे सपोज करिए कि आपने किसी एक पर्सन को या अपने फ्रेंड को अपना कुछ डेटा शेयर किया क्यों शेयर किया क्योंकि उसको ट्रस्ट था कि वो मेरे डेटा को वो मेरे डेटा को ब्रीच नहीं करेगा तो इसीलिए लिए आपने उससे ट्रस्ट किया तो उसी तरीके से क्लाउड पर भी यहाँ पे हमारे पास एक ट्रस्ट होता है कि हम लोग एक यहाँ पर ट्रस्ट बना के चले आई होप आप लोगों को समझ में आएगा रिफर तो यहाँ पे एक आप एसेंशियल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग फिर चैंप मैन एंड ब्लैक होल पेज नंबर ग्यारह से लेके चौदह के बीच में आप देख लीजिएगा फिर क्लाउड कंप्यूटिंग ए हैंड्स ऑफ अप्रोच पेज नंबर नाइनटीन से लेके ट्वेंटी तक फिर एक ये लिंक मैंने दे दिया डब्ल्यू डब्ल्यू गिक्स फॉर गिक्स डॉट ओ आर जी पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आई होप आपको समझ में आएगा ओके थैंक यू नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं थैंक यू